बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की यह तस्वीर देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। इस तस्वीर में जैकलीन फर्नांडिस जिसके साथ रोमांस करती हुई दिख रही हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर हैं। जी हाँ, ये नाम सुनकर और उसके साथ जैकलीन की यह तस्वीर देखकर किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि सचमुच इनके बीच कुछ चल रहा है। वैसे तो जैकलीन फर्नांडिस का नाम लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर चर्चा में है। हालांकि इस मामले में ये तस्वीर एक बड़े सबूत के रूप में सामने आई है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, किस तरह जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर की बाहों में कोसी होती दिख रही हैं। तस्वीर में दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी नजर आ रही है। इस तस्वीर में जैकलीन सुकेश के इश्क में डूबी दिख रही हैं, तो वहीं सुकेश भी जैकलीन पर प्यार दिखाते हुए उनकी नाक पर किस करते दिख रहे हैं। वहीं इस रोमांटिक सीन से पहले भी इन दोनों के बीच कुछ हुआ है जो जैकलीन के गले पर लव बाइट का निशान बता रही है। जाहिर सी बात है, इस तस्वीर ने एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन के रोमांटिक रिश्तों की पोल खोल दी है। वहीं सोशल मीडिया पर जैकलीन की यह तस्वीर वायरल होने के बाद लोग जमकर उनको ट्रोल भी कर रहे हैं, जिसके बाद ट्रोलिंग से परेशान होकर जैकलीन ने अपने फैंस से खास अपील करते हुए उन्हें ट्रोल नहीं करने के लिए कहा है। जैकलीन ने फैंस से अपील करते हुए कहा कि वह बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से उनकी प्राइवेसी को बनाए रखने और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने की अपील की है। जैकलीन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि इस देश ने और इस देश के लोगों ने मुझे हमेशा बहुत सारा और असीमित प्यार दिया है। इसमें मीडिया से मेरे फ्रेंड्स शामिल हैं जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। मैं मौजूदा वक्त में एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही इससे बाहर निकलते हुए मुझे देखेंगे। मेरी अपने मीडिया फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट है कि वे मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अपने पोस्ट में जैकलीन ने आगे लिखा, मेरी पर्सनल फोटोज को ऐसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट ना करें। आप अपने करीबी और पसंदीदा लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि न्याय की जीत होगी और इसे आप अच्छे नजरिए से लेंगे। धन्यवाद। गौरतलब है कि जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर का कनेक्शन पहले ही जांच के दायरे में है, क्योंकि एक्ट्रेस को ठग सुकेश से कई महंगे तोहफे मिले थे जिन्हें जांच एजेंसी ने जब्त कर लिए हैं। जैकलीन ने ईडी अधिकारियों को बताया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें कहा था कि वे जयललिता के परिवार से जुड़ा है और सन टीवी का मालिक है और उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म करने के लिए भी कहा था। जैकलीन ने यह भी खुलासा किया कि सुकेश उनके मेकअप आर्टिस्ट के माध्यम से उनके संपर्क में आया था। जब सुकेश चंद्रशेखर इस साल की शुरुआत में कुछ समय के लिए जमानत पर बाहर था, तब उसकी मुलाकात जैकलीन से हुई थी। दोनों की इस मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। बताया जा रहा है कि जैकलीन के अलावा सुकेश एक्ट्रेस नूरा फतेही से भी मिला है और उन्हें भी महंगे गिफ्ट दिए हैं। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 5 दिसंबर को फर्नांडिस के खिलाफ एलओसी जारी किया था। लुकआउट नोटिस के कारण इमिग्रेशन अधिकारियों ने अभिनेत्री को मुंबई हवाई अड्डे पर रोक दिया था। वह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्यक्रम के लिए मस्कट जा रही थी और उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया था।